आपका आईबीएनआई न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट सोनू मंसूरी कथित रूप से पीएफआई के लिए जासूसी करती इंदौर न्यायालय में पकड़ी गई। सोनू मंसूरी कोर्ट में हिंदूवादी संगठन के लोगों से जुड़े केस की फोटो वीडियो बना रही थी। मौके पर सोनू मंसूरी के पास से करीब 3 लाख रुपए भी बरामद हुए। एमजी रोड थाना पुलिस इंदौर में कोर्ट में पेश किया और 3 दिन का रिमांड लिया। दिल्ली से आए वरिष्ठ वकील एजाज हाशमी ने बात करने के बाद ही पुलिस को सोनू मंसूरी ने बयान दिया। मामले में इंटेलिजेंस विंग भी अब सक्रिय हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू मंसूरी के पास देवास लॉ कॉलेज व आईडी कार्ड बरामद हुआ है। इंदौर में काला कोट पहनकर नूरजहां खान नाम की वकील के साथ काम करती थी। कोर्ट केस की प्रोसेसिंग में हुई तथ्यों की जानकारी और फोटो वीडियो पीएफआई से जुड़े लोगों को पहुंचाती थी। वही जानकारी के मुताबिक सोनू मंसूरी कसरावत खरगोन की रहने वाली है और वह ऑनलाइन माध्यम से देवास लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था। सोनू ने इस समय 3रे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही थी। वह इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि सोनू मंसूरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार ने इस पूरे विषय में गंभीरता से लिया है, जाँच चल रही है। की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड कर रही थी, उस पर वकीलों ने बड़ा ऐतराज जताया और ये भी वहाँ निकल के आया कि इसमें पीएफआई की वो मदद कर रही थी। प्रतिबंधित केस रजिस्टर्ड हो गया है उन पे, अनु अंसारी जो थी, और उन्होंने स्वयं भी बयान में कहा है कि पीएफआई और पीस पार्टी को वो सहयोग करती थी और उपलब्ध कराती थी इस तरह के अपडेट। उनके पास में जो राशि मिली है नगद, उसकी भी जानकारी है किन सूत्रों और सूत्रों से मिली है। 1.5 लाख रुपया जो नगद पाया गया है, पर्चे क्यों छुपाया, पर्चे गलत क्यों बताया, ये सारे विषय जांच में लिए गए और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रही IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।